हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप ऑल 007। तो फिर मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक से हम लोग ऑनलाइन से कैसे अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर ऑनलाइन में अगर अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करना है तो पहले ये बात ध्यान में रखना है, अगर आपका आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर के साथ लिंक है और वो मोबाइल अभी करेंटली आपके पास है, मतलब इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, वो एक्टिव मोशन में होना चाहिए। अगर आपका वो मोबाइल डीएक्टिवेटेड है, उसका सिम नहीं चल रहा है, तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो मोबाइल नंबर का जो सिम है उसी में एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी देने के बाद ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे डाउनलोड करें, तो इसका प्रोसेस मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और चैनल में अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि दूसरे को भी काम में आए, और कमेंट्स करके बोलिए ये वीडियो कैसे लगा है और दूसरा कौन सा टॉपिक्स पे वीडियो लाना चाहिए। तो देखिए, मैं आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधार कार्ड का जो पोर्टल है उसमें मैं क्लिक करूँगा। पोर्टल का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये पोर्टल का जो है साइट है, इसमें आपको uidai.gov.in, तो इस वेबसाइट में जाके आपको डाउनलोड करना है। तो उसमें मैं क्लिक कर दिया। देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए, डाउनलोड आधार। तो डाउनलोड आधार में मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन बोल रहा है, तो लॉगिन विथ आधार एंड ओटीपी। तो यहाँ पे मैं आधार नंबर एंट्री करने के लिए दे रहा है, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर एंट्री कर दूंगा। तो आधार नंबर पहले एंट्री करना है, वो करने के बाद नीचे बोल रहा है, देखिए जो कैप्चा देख रहा है, तो कैप्चा देने के लिए बोल रहा है। तो कैप्चा आपको समझ में नहीं आएगा तो कैप्चा आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो कैप्चा वहाँ पे जो है वो कैप्चा आपको देना है। तो कैप्चा को मैं एंट्री कर दिया हूँ। तो एंट्री करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी में क्लिक कर दिया। तो देखिए, सेंड ओटीपी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है, फिर अच्छा ओटीपी शायद गलत हो गया था। ओटीपी मैं दे दिया। देने के बाद यहाँ पे फिर मैं एक बार दे रहा हूँ, देखते हैं अभी सही होना चाहिए। हाँ देखिए, अभी ओटीपी सक्सेसफुली भेजा है। ओटीपी मैं यहाँ पे इनपुट करना है ओटीपी। तो ओटीपी को मैं एंटर कर दिया यहाँ पे। ओटीपी एंटर करने के बाद मैं लॉगिन में क्लिक कर दिया। देखिए, अब देखिए आपका आधार वाला जो साइट है ये खुल गया है। इसमें आपको डाउनलोड आधार में क्लिक करना है। देखिए, ये मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए, ये देने के बाद देखिए मेरा यहाँ से मैं इसको डाउनलोड में क्लिक कर दूंगा तो डाउनलोड आ जाएगा। तो देखिए, डाउनलोड मैं कर दिया हूँ। अब इसको देखिए खोल के दिखा, तो इसमें देखिए खोलने के बाद ये जो आपसे ये डाउनलोड करने के बाद आपसे पासवर्ड भी मांगेगा, क्योंकि एज़ पर द रूल्स जो है कैपिटल लेटर्स में आपको ER ऑफ बार इन उसमें देना है। तो देने के बाद ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये देने के बाद देखिए मेरा जो डाउनलोड किया था, ये देखिए आधार कार्ड मेरा डाउनलोड हो गया। तो ये था प्रोसेस आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।